हो गया हुए, ठीक है। आज आपको ना वो सिखाना है कि यूजर्स का क्या काम है, कितने यूजर्स हैं और वो क्या काम कर सकते हैं। हमने सेटिंग में अगर अगर तो आप ब्लॉग बना रहे हो, अगर आप यूजर को अलाउ करना चाहते हो कि वो यूजर रजिस्टर हो जाए तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, कि जिसमें वो यूजर अपनी मतलब आपसे कंट्रीब्यूट करे, पोस्ट वगैरह शेयर कर ले, कि आप फिर उसको व्यू करके पब्लिश कर सकते हो। दूसरा ये है कि इसमें आप डिफरेंट यूजर्स बना सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सके। लाइक आप इसको कह सकते हो कि सिर्फ वो पोस्ट डाले, दूसरे को कह सकते हो कि आप वो पेजेस डाले, तीसरे को आप कह सकते हो कि वो सिर्फ वो सारा काम करे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अब हम रोल्स के पढ़ते हैं कि कौन कौन से रोल है। यहाँ से हमने सेटिंग्स में हमने पहले बंद कर दिया था, एनी वन कैन रजिस्टर को हमने बंद कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। इसको टिक करने के बाद हम सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसको सेव चेंजेस की, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे wp-admin खोल लेते हैं। वो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आ गया रजिस्टर का, आ गया। इसके पीछे एक लिंक है, ये देखो, ये लिंक को कॉपी लिंक एड्रेस करोगे तो ये आपको लिंक दे देगा कि ये वाला लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। अच्छा जी, यहाँ से वो कह रहा है अपना यूजर नेम दो और ईमेल दो। यूजर कह लेते हैं सिर्फ, यूजर वन कह लेते हैं, ठीक है, यूजर वन, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन विल बी ईमेल टू यू, ठीक है, वो ईमेल कर देगा आपको, रजिस्टर करो। तो ये ईमेल आएगी भी कि यहाँ सिर्फ आएगी ना, आएगी जब ऑनलाइन हो जाएगी, वेबसाइट ईमेल चलेगी, अभी तो ईमेल अभी नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन अपना ईमेल चलाओ, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन किया, कंफर्मेशन करो, हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे अपने वापस, अब यहाँ पे हम देखेंगे जी, अब यहाँ यूजर्स में जाके देखेंगे यूजर आ गया होगा। इसने क्या किया होगा, उसको यूजर उसको पासवर्ड सेंड किया होगा, ठीक है। ये जब ये रजिस्टर हुआ ना, यहाँ पे उसने क्या लिया था, सिर्फ यूजर नेम और ईमेल, पासवर्ड नहीं पूछा था, पासवर्ड उसने क्या किया, ईमेल कर दिया, ठीक है। जिसका जो ऑनर होगा वो ही देगा, हाँ, नहीं वो आप रैंडम जनरेट होता है पासवर्ड इसका। सर कहने का मतलब ये है कि जिसकी वेबसाइट है यानी कि वो देख के बताएगा कि कोई और बंदा ना आ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जाएंगे यूजर्स पे, क्या हो गया इसमें, यहाँ से हम ऑल यूजर्स पे आ जाएंगे। वो देखो यूजर रजिस्टर हो गया, उसका रोल उसने क्या दिया, सब्सक्राइबर, क्योंकि हमने सेटिंग्स में से क्या दिया, एनीवन कैन रजिस्टर एज सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर एक रोल है इसका, इसमें क्या होता है कि सिर्फ वो यहाँ से, अब ये वर्डप्रेस के रोल्स है उसने लिखे हैं, यहाँ पे हमने कौन सा किया था, सब्सक्राइबर, समबॉडी हु कैन ओनली मैनेज देयर प्रोफाइल, सिर्फ उसकी अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। लाइक अभी उसको जो है ना, अब हमने ऑनलाइन नहीं किया, यहीं से उसकी प्रोफाइल खोल के ना पासवर्ड रख देते हैं ताकि लॉगिन करके देखें क्या हुआ, यूजर वन था तो पासवर्ड भी हम उसका, तो उसका डाटा भी सारा डाटा भी उसमें स्टोर होगा इसका, हाँ इधर ही, हाँ वो यहाँ से होगा। अच्छा जी, ये हमने कर दिया, अब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, यूजर यूजर वन, ठीक है, अब लॉगिन करके देखते हैं क्या होगा। इसका यूजर सारे ऐड हो गए हैं, ये देखो यहाँ पे अब क्या हुआ है, सारा मेन्यू हाइड हो गया, सिर्फ उसके पास क्या आया, प्रोफाइल और डैशबोर्ड, और यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी आ रही है कि लेटेस्ट पोस्ट कौन सी है, क्या हुआ है, ये एक्टिविटी आ रही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी यूजर का हम रोल चेंज कर देते हैं, मतलब हम यहाँ से जाके सेटिंग से हम दूसरा अब रोल करते हैं, सेटिंग में देखते हैं दूसरा रोल कौन सा है, किसी को ओनर कर बना देना, वो भी तब नहीं करना। ये अब क्या हुआ था, सिर्फ क्या कर रहा था, अपनी प्रोफाइल देख सकता और कुछ नहीं कर रहा। अब नीचे उसके कौन सा रोल है, कंट्रीब्यूटर का, हम चलो कंट्रीब्यूटर कहते हैं जी। अब आप कह रहे हो कि कोई भी रजिस्टर हो जाए एज अ कंट्रीब्यूटर, लेकिन हमें दोबारा रजिस्टर होने की जाके इसका रोल चेंज कर देना, ठीक नहीं, मैं आपको तो जाके दोबारा रजिस्टर हूँ, और यहाँ से हम उसका रोल चेंज कर देते हैं, इधर वो आ रहा होगा भाई, वो लेट आया पानी। अच्छा
यहाँ पे आ रहा है, ये देखो रोल, हम यहाँ से उसका रोल चेंज कर देंगे, यहाँ से हम उसे क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर किया, अपडेट प्रोफाइल भी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब ये यूजर का रोल कौन सा हो गया, क्या हो गया इस यूजर का रोल, यूजर वन का रोल क्या हुआ है, कंट्रीब्यूटर। अब इसको रिफ्रेश करो। अब क्या हुआ, अब मेन्यू में क्या क्या आया इसके बाद, ये तो वो एक्स्ट्रा प्लगइन था, ये हम उसे नहीं देंगे, ये इसको ये यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या करता है यहाँ पे, ये ऐप हाइड कराना पड़ेगा, ये आपको कोड वगैरह ढूंढ के उनसे हाइड कराना, नहीं होगा तो देखो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा, बंद है, यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। मेन्यू में भी वो अगर हम हाइड कराना चाहें तो वो कोड मिल जाते हैं उनके जरिए, हम हाइड करा लेते हैं ढूंढ के। अच्छा, अब इस यूजर के पास क्या है, एक उसके पास उसकी प्रोफाइल आ गई और एक उसके पास उसके पोस्ट आ गए। अब हम क्या करते हैं, पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट पे उसको क्या मिलेगा, पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, क्या जी यहाँ पे वो नई पोस्ट डाल सकता है, सिर्फ इन्हें व्यू कर सकता है, पोस्टों को व्यू कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, नई पोस्ट डाल सकता है और व्यू कर सकता है, व्यू नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ व्यू कर सकता है। ये मैंने सवाल पूछने इसलिए ट्रेन मेरा बैठा लो। सब्सक्राइबर क्या, सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर क्या करता है, कंट्रीब्यूटर पोस्ट डाल सकता है और पोस्ट व्यू कर सकता है, ठीक है। सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, सिर्फ उसकी प्रोफाइल बनती है और कुछ नहीं होता, एडिटर ना कुछ भी नहीं है, उसकी सिर्फ प्रोफाइल बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम एक नई पोस्ट डालते हैं, पोस्ट बाय ठीक है, ये पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर होगी, डेटा वगैरह लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे जो उसके पास कैटेगरीज आ रही हैं वो वही यूज कर सकता है, टैग्स वो डाल सकता है, ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकता। हम यहाँ से कहते हैं वीडियो, अब इसे क्या कहते हैं, ये देखो पब्लिश नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, सबमिट फॉर रिव्यू, ये क्या हो गया, ये रिव्यू के लिए किसके पास चली जाएगी, एडमिन के पास चली जाएगी, यहाँ से आओ पोस्ट को। ये देखो यूजर वन इज करंटली एडिटिंग, वो कह रहा है कि अभी वो एडिटिंग कर रहा है क्योंकि उसने लॉग आउट नहीं किया, जब वो लॉग आउट कर देगा ये मैसेज खत्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ जी, अभी ये पेंडिंग पे है, एडमिन क्या करेगा, इसे व्यू करके देखेगा जी ठीक है करने वाली पोस्ट है, वो पब्लिश करेगा वेबसाइट पे, डिस्प्ले हो जाएगी। रोल पढ़ लेते इसका, Somebody who can write and manage their own post but cannot publish them, अपनी पोस्ट को एडिट वगैरह कर सकता है, रिव्यू के लिए भेज सकता है बस, ठीक है, पब्लिश नहीं कर सकता। अच्छा जी, अगला रोल है, अब हम फिर जाते हैं जी, अगला रोल कौन सा हमारे का, हम इसी यूजर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, अब यूजर्स पे आ जाते हैं। देखो अब एक आप सिर्फ दो रोल दे सकते हो, अगर आप वेबसाइट अपने यूजर्स के लिए ओपन कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन, तो आप सिर्फ दो रोल दे सकते हो, या सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर, ये याद रख लो, सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर, ना आप इसे ऑथर का रोल दोगे ना एडिटर का रोल दोगे, देने ही नहीं है भाई, कोई भी रजिस्टर होके ऑथर आ गए वो आपकी यहाँ से डाटा, सारा डाटा चेंज कर देगा, डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर देगा, एडिटर आ जाए वो भी चेंज कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर आप बायर वाले यूजर को ले रहे हो ना, कोई तो वो सिर्फ यहाँ से कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर। अब इसकी वेबसाइट है, सपोज इसकी वेबसाइट है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ पोस्ट मैनेजमेंट दे देता हूँ, तुमने सिर्फ पोस्ट एडिट वगैरह डालनी है, तुम्हारे पास आ जाएगा ऑथर का रोल आ जाएगा, ठीक है, ऑथर का रोल आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आपने पेज भी मैनेज करने हैं, पेज का डाटा भी चेंज कर सकते हो और उनको उसके अंदर इमेज वगैरह भी लगा सकते हो, तो आपके पास कौन सा रोल आ जाएगा, एडिटर का, ठीक है। और अगर वो कह रहा है कि आप पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो तो एडमिन का रोल समझ आई, यहाँ से हम रोल पढ़ लेते हैं दोबारा, ये सुपर एक देखो यहाँ से, एडिटर क्या, समबॉडी हु कैन पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ अदर यूजर्स, दोबारा देखो थोड़ा सा मिस हो गया, इसने ये एडमिन है, इसने कहा कि आप मेरी पोस्ट वगैरह को मैनेज करो, आप सिर्फ पोस्ट वगैरह को, तो आपको कौन सा रोल मिल जाएगा, एडिटर का, इनका रोल मिल जाएगा एडिटर का। वो क्या कर सकता है, पोस्ट को नई पोस्ट डाल भी सकता है, नई पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, और कंट्रीब्यूटर ने जो पोस्ट डाली है ना उसको भी पब्लिश कर सकता है। ये देखो गौर से पढ़ो, Somebody who can publish
एंड मैनेज पोस्ट इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफ अदर यूजर्स, ठीक है, मतलब वो अदर पोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब ऑथर क्या कर सकता है, समबडी हु कैन मैनेज एंड पब्लिश देयर ओन पोस्ट्स, अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकता है और पेज को एडिट कर सकता है। देख लेते हैं अभी रोड, दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे इसने पूरा पूरा नहीं लिखा लेकिन देख लेते हैं। अच्छा जी यही किया था। अच्छा यहाँ पे अब हमने कौन सा भी कर लिया था, उसको कंट्रीब्यूटर बना दिया, अब हम उसको क्या बनाएंगे, ऑथर बना दिया, ऑथर बना दिया। चलो जी यूजर वन को हमने बना दिया ऑथर, अब इसको रिफ्रेश करो तो क्या होगा, वहां पर हमने रोल नहीं ठीक लिखा। अब इसका रोल क्या हो गया जी, ऑथर का हो गया। अब ऑथर क्या क्या कर सकता है, पोस्ट को मैनेज कर सकता है, पोस्ट को मैनेज कर सकता है और मीडिया को मैनेज कर सकता है। अब देखो ऑल पोस्ट पे आओ, ऑथर पोस्ट डाल सकता है और दूसरे यूजर्स की, देखो ऑथर यहाँ पे नई पोस्ट भी डाल सकता है और नई पोस्ट पब्लिश भी कर सकता है। अभी ऑथर के पास पहले कंट्रीब्यूटर का रोल था जी, वो पोस्ट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, पब्लिश नहीं रिव्यू के लिए भेज सकता है। उसके पास मीडिया लाइब्रेरी नहीं आती, वो मीडिया लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। अब हमारा दूसरा तीसरा रोल कौन सा आया, ऑथर का। ऑथर क्या कर सकता है कि अपनी पोस्ट डाल सकता है और दूसरे यूजर्स की पोस्ट को मैनेज कर सकता है, एडमिन की पोस्ट नहीं मैनेज कर सकता, एडमिन की नहीं, पब एडमिन की नहीं कर सकता, दूसरे यूजर्स की, अदर यूजर्स, अदर यूजर्स, एडमिन की नहीं कर सकेगा। अब ये वाली जो पोस्ट डाली गई है ये कंट्रीब्यूटर से डाली गई है, एडमिन एडिट कर सकता है, एडिट कर सकता है, इसे जितने कंट्रीब्यूटर की पोस्टें होंगी वो नजर आएंगी। बात पिक होगी जी, कंफ्यूज तो नहीं। और फिर वो यहाँ पे मीडिया को भी मैनेज कर सकता है, यहाँ से वो मीडिया डाल सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके पास वो पोस्ट आ गई कि यहाँ पे ये वो पब्लिक रिव्यू करके इसको पब्लिश कर सकता है, ठीक है, इसके बाद रिव्यू के लिए आ गई, हाँ रिव्यू के लिए आ गई, एडिट करके देखते हैं। अब यहाँ से वो पब्लिश करेगा, ये वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी अगला रोल कौन सा जी, एडिटर का। अब एडिटर क्या कर सकते हैं, रोल में आपको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं ये जो है ना एक दफा करके दिखा देता हूँ, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिटर, एडिटर क्या कर सकता है कि एडमिन की पोस्ट भी देख सकता है, आई थिंक अभी देख लेते हैं, तो मैंने अभी ये देखो देख सकता है, एडिट भी, एडिट भी कर सकता है, एडिटर के पास रोल्स आ गए हैं। एडिटर क्या कर सकता है, आप गौर से सुनो, एडिटर दूसरे यूजर एडमिन की भी पोस्ट को एडिट कर सकता है, दूसरे यूजर्स की भी पोस्ट को एडिट कर सकता है और अपनी नई पोस्ट भी डाल सकता है और ये पोस्ट पब्लिश भी कर सकता है जो रिव्यू के लिए एडिट कर सकता है। अच्छा दूसरा आ गया पेज, इसके पास एक ऑप्शन और आ गया पेजेस को, ये पेजेस को भी मैनेज कर सकता है, मतलब पेजेस का डाटा डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, न्यू डाल सकता है, ठीक है, समझ आ गई मुझे। और इसके पास देखो यहाँ से आप कौन कौन से ऑप्शन मिल गया, सेटिंग्स गई हैं, कमेंट्स गई, कमेंट्स हैं इसके पास, कमेंट्स हैं और क्या ये, और इसके पास एक सेटिंग्स गई हैं इसके पास, वो सेटिंग्स नहीं कर सकता, ठीक है। और ये फॉर्म देख लेते हैं जी, डाल सकता है कि नहीं, सर एडमिन का ये फॉर्म डाल सकता है वो, ठीक है, ये फॉर्म भी एडिट कर सकता है, कौन सा फॉर्म, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, समझ आई। अब मैं दोबारा वैसे बताता हूँ, कल वाला नहीं, मैं पहले ये बताता हूँ, सेटिंग्स में आता हूँ दोबारा। अगर तो गौर से सुनते जाओ, अगर तो आप लोग वेबसाइट पे ये ब्लॉग बनाया है और आप कह रहे हो कि मैंने यहाँ यूजर को देना है रजिस्टर, वो अपनी पोस्ट मुझे सबमिट करे रिव्यू के लिए, अपनी पोस्ट सबमिट करे सिर्फ रिव्यू के लिए, पब्लिश ना हो तो उसका रोल क्या होगा, कंट्रीब्यूटर, उसको ना एडिटर का देना है ना ऑथर का देना है,
वो मतलब ना ऑथर का देंगे ना रजिस्टर का रोल देंगे, सॉरी एडिटर का। इससे क्या होगा, ये रोल दे दोगे, कोई भी रजिस्टर होगा आपका डाटा भी डिलीट करेगा सर, वेबसाइट में कुछ और ही लगा देगा, बनी की चीज किसी और चीज की होगी, कुछ और लगा होगा, ठीक है। दूसरा अगला सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर क्या करता है, सिर्फ आप उसको कहते हो जी एज अ वेबसाइट में रजिस्टर हो जाए, अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते, जिस तरह ये बनाई थी इसकी, यहाँ पे वो अपनी कुछ भी नहीं है, ये इसका फायदा। अच्छा हाँ, इसका फायदा क्या, इसके अंदर एक हमने चीज पढ़ी थी पोस्ट प्राइवेट वाली में क्या था कि अगर हम प्राइवेट करते थे कि जब तक वो लॉगिन ही ना होगा उसको पोस्ट नहीं शो होगी। इधर क्या होगा, सब्सक्राइबर को ये हो जाएगा कि अगर आपने जो पोस्ट प्राइवेट की होगी ना वो लॉगिन हो जाएगा उसको पोस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइबर का ये फायदा हो जाएगा, एक फायदा होगा। पासवर्ड वाले का फायदा नहीं है, पासवर्ड वाले का फायदा तो तब होना कि जब पासवर्ड हमने दिया, जिसको दिया तब उसको छोड़ दिया। अच्छी बात है, तैयारी करके आओ बेटा, मंडे को टेस्ट है। अच्छा जी, अगला रोल है ऑथर का, अगला रोल है ऑथर का। अब वो सुनो, ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर से आपकी पोस्ट को मैन, आप भी गौर से सुनिएगा, ऑथर क्या कर सकता है, अपनी पोस्ट डाल सकता है, अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकता है, दूसरे यूजर्स की पोस्ट को मैनेज कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, लेकिन एडमिन की पोस्ट को नहीं दे सकता, ना एडमिन की देख सकता है ना एडिटर की देख सकता, ठीक है। उसके पास मीडिया की, मीडिया का ऑप्शन आ जाता है, वो मीडिया भी इमेज भी अपलोड कर सकता है ऑथर, ठीक है, यहां तक समझ आई। एडिटर क्या करता है, एडिटर क्या, अपनी पोस्ट वाले पूरा उसके पास ऑप्शन आ जाता है, पोस्ट डिलीट, अपडेट, एडिट, पब्लिश वगैरह, और वो सारी पोस्टें देख सकता है, एडमिन की भी देख सकता है। एडिटर के पास पेजेस भी आ जाते हैं, वो पेजेस भी मैनेज कर सकता है, ठीक है। ये रोल्स हैं, डिटेल में पढ़नी होगी गूगल कर लो, बाकी यही चीजें हैं। और डिटेल में डिसाइड करना कि कौन सा मोड है, अच्छा जी यहाँ तक समझ आ गई, दोबारा पूछ। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, अब आपका सवाल था जी, मैंने यहाँ पे लिंक दिखाया रजिस्टर का, नहीं दिखाया, कैसे दिखाया, किसका लिंक दिखाया, सवाल है, चलो बताओ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिखा, हाँ लिंक किसका था, रजिस्टर का, कौन सा रजिस्टर का, यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया, कंट्रीब्यूटर का दे दिया रोल, कंट्रीब्यूटर एनीबॉडी कैन एज रजिस्टर कंट्रीब्यूटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिलहाल लॉग आउट कर दिया, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट में नहीं हो जा रहा है।
अब यहाँ पे यूजर को आपने पीछे से तो नहीं ना कहना कि जाओ WP हाइफन एडमिन लिख के लॉगिन करो, वो तो गलत बात हो गई। वो डैशबोर्ड भी चलेगा इधर से ही लॉगिन करो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी है। हाउ पॉसिबल रजिस्ट्रेशन नहीं ये लिंक है ना, ये लिंक है, हमने ये लिंक यहाँ अभी तो आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, दूसरी में आपको बात करता हूँ। इस लिंक को हम कॉपी कर, इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया।
कॉपी नहीं लिखा है। यहाँ से लॉगिन करते हैं, मैं यही बता रहा हूँ आपको, जिस तरह ऊपर पहले डाला था ना वो। आपने इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस का